आज मैं आप लोगों के साथ पानी पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और ये फुल प्रूफ रेसिपी है। पानी पूरी बनाने का ट्रिकी पार्ट ये होता है कि फूली फूली और क्रिस्पी पूरियां बने। सबसे पहले पानी पूरी के लिए मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। 4 आलू धोकर के लिया है, आलू को छील लेंगे। छीलने के बाद आलू को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे ताकि आलू जल्दी से पक जाए, और इसे एक कुकर में डाल देंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हमने छोटे वाला चना लिया है, इसे 10-12 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो इसका पहला वाला पानी निकाल दिया है। और मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी छोले यूज कर रही हूँ, और इसी के साथ डाल देंगे इसमें आलू कटे हुए, नमक और 3 से 4 हरी मिर्च। 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे, या फिर पानी इतना डालेंगे कि छोले से ऊपर हो जाए, ताकि छोले और आलू अच्छे तरीके से डीप भी हो जाए और पक जाए। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। अब पानी पूरी के लिए आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो साइड में इधर आलू और छोले भी उबल करके तैयार हो जाएगा, तो ये काम ना आसान हो जाता है। तो क्या करा, हमने पानी उबलने के लिए रखा है, और अब हम लेंगे सूजी। तो हर चीज़ आपको नाप करके लेना होगा, जैसे तैसे नहीं बनाना है, हर चीज़ नाप करके लीजिएगा ना, तो पानी पूरी अच्छे से फूले फूले बनेंगे। तो देखिए, 1/2 कप सूजी लिया है, सूजी बारीक वाला या फिर मोटा वाला जो भी है वो ले सकते हैं। और आजकल बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सूजी को यहाँ पे छान लेती हूँ ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना हो, एक बार चेक भी कर लेंगे। 1/2 कप सूजी लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे, और इसमें पानी डालेंगे, 1/4 कप उबला हुआ पानी डालेंगे। नापने के लिए आप कोई भी गिलास या फिर कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हैं, तो कटोरी ऐसा लीजिएगा कि जो नापने में आसानी हो। तो सीधा सीधा मेजरमेंट में बताऊं, 1 कप सूजी में 1/2 कप पानी और उसका 1/8 हिस्सा मैदा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप डो बनाते हैं ना, तो बिना तेल के, बिना सोडा के क्रिस्पी पूरी बन करके तैयार होंगे। तो देखिए, इसमें 1/4 कप पानी डाला है, अभी तो भुरभुरी सी दिख रही है, पर इसको ना इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो ये अपने आप खुद में खुद ही अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट तक उसे मिक्स किया, ढक के 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पे रख दिया है। रेस्ट करना ज़रूरी है डो को। अब हम इस गोलगप्पे के पानी के लिए मसाला बना लेते हैं, ड्राई मसाला। तो थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, 2-3 लौंग और 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। इन सबको रोस्ट करके ठंडा कर लेंगे और इसका बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। इस पाउडर को आप अलग से बना के भी रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीना चलेगा। जैसे लस्सी या और कुछ बनाते हैं सब्जी, उसमें भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हींग। तो ये हींग असली वाला है, बहुत थोड़ा सा डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो चीज़ कड़वी हो जाती है, और इस मसाला को ना, सॉरी, ये ड्राई मसाला को दरदरे पीस करके तैयार करना है। तो ये मसाला तैयार हो गया, इसे भी साइड में रखते हैं। और अब हम बना लेते हैं पानी पूरी के लिए चटनी, मतलब जिसका हम पानी बनाएंगे ना वो। तो यहाँ पे लिया है धनिया और पुदीना। तो जितना हम धनिया लेंगे ना, उसका 1/2 पुदीना लेंगे, तो पानी टेस्टी बन करके तैयार होती है। पुदीना और धनिया को अच्छे से धो करके पत्तियाँ तोड़ के छोटे छोटे काट लिया है ताकि पीसने में आसानी हो। और इसमें डालेंगे धनिया, पुदीना, अदरक, 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल करके बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और इस चटनी को हम छान लेंगे। तो कोई कोई इसे बिना छाने भी बनाते हैं, तो आपको जैसा मर्जी वैसा बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं इमली का चटनी। तो देखिए, इमली को ना भिगो के रख दिया था और उसका बीज निकाल लिया है, इसे भी बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इस इमली से ना मैं मीठी चटनी भी बनाऊंगी, और ये धनिया वाले भी पानी में डालेंगे। तो देखिए, इसे भी पहले छान लेंगे, जो इमली में रसे वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। तो
इसको थोड़ा सा पानी भी डाल के अच्छे से रेसे को भी धो लिया है। अब इसमें से 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प डालेंगे और यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं कितना आपको खट्टा, नमक, मीठा, तीखा चाहिए। 1 से 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। अब सादा नमक, काला नमक, जो मसाला भून के रखा था ना वो मसाला, अब चूर्ण पाउडर और फिर से डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा होता है। बारीक कटी हुई हरा धनिया और थोड़ा सा बूंदी, आप यहाँ पे बारीक प्याज कट करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच गुड़ डालेंगे तो गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, ये पानी पूरी का पानी तैयार हो गया है। मैं बिना लहसुन प्याज वाला बना रही हूँ, आप चाहे तो आप यहाँ पे प्याज भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये आलू और छोले भी बॉईल हो गया है और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से 4 सीटी में अच्छे तरीके से छोले पक जाते हैं। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक बना लेंगे मीठी वाली चटनी। तो देखिए, मीठी वाली चटनी बनाने के लिए जितना आप इमली लेंगे उसका आधा गुड़ लेंगे, उसमें डालेंगे सारे मसाला, हल्दी पाउडर, अमचूर्ण पाउडर, जो मसाला भून के रखा था ना वो मसाला, नमक, और ये सब डाल के 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो ये चटनी 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और आप किसी भी चाट पापड़ी में इस चटनी को यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक उबाल लिया। अब हम इसे दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बॉयल किया हुआ हरी मिर्च थी ना, उसे काट लिया है और इसे डाल देंगे इस मसाले में, और इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाला, तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ मसाला, और जो ये इमली का पानी था ना वो इमली का पानी भी डाल देंगे और इसे मिक्स करके साइड में रखेंगे। और पानी में हमने नींबू काट करके डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब गोलगप्पे के लिए जो डो लगा के तैयार किया था ना, इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मस लेंगे सॉफ्ट होने तक, नहीं तो ये ना साइड साइड से पूरी फटे फटे बनेंगे, तो सॉफ्ट करना ज़रूरी है। आप आधा कप सूजी से 45 से 50 पूड़ियाँ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर लिया है। अब इसमें मैदा से स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं, और अब हम इसका पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरी किचन टावल ली है जो कि मैं किचन में ही यूज करती हूँ, और इस टावल पे सारे पूरियां एडजस्ट करते हुए मतलब लाइन लगा के रखेंगे कि जो पूरी हम सबसे पहले बेली है ना उसी पूरी को सबसे पहले फ्राई करेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो तेल में जाएगा। तो पूरियां फुली फुली बन करके तैयार होती है और ये भी एक ट्रिक होती है। तो देखिए, सारे पूरियां बना करके तो तैयार कर लिया है, सारे पूरी के साइज़ भी सही थी। एक दो पूरी हमने, दो पूरी फ्राई करके देखा तो इसकी ना शेप अच्छी मुझे नहीं दिख रही थी, तो फिर यहाँ पे ना मुझे ध्यान आया कि गोलगप्पा कटर है, मतलब गोलगप्पा बनाने के लिए मैंने बहुत पहले कटर ख़रीद रखा था, तो वो आज काम आ गए। घर में तो ऐसे भी बना लेते हैं पर वीडियो के लिए ना ये वाला शेप मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है और ये पूरी भी फुली फुली बन रही थी, तो फिर मैं ना सारे गोलगप्पे को कटर से काटना शुरू किया। तो कटर से जब भी आप काटें ना तो तुरंत से तुरंत नहीं काटें, उससे क्या होता है ना कि ये साइज छोटा हो जाता है। तो पहले अच्छे से सारे पूरियां बेल बेल के अरेंज करके रखें और फिर लाइन वाइज काटते जाएं। इससे क्या होगा ना, कपड़े के ऊपर ही काटेंगे तो साइज छोटा नहीं पड़ता है, साइज बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और जो नीचे वाला सतह थी ना वो तेल के नीचे जाएगा, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। और ये देखिए, सारे पूरियां हमारी फुल फुल के तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि पूरी ना फुल मतलब फ्राई करने के बाद जब रखते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं रहता है, तो आप क्या करें ना, यहाँ पे
जब ये सारे 4 से 5 पूरियाँ डाल देते हैं ना, तो उसे जब फूल जाए ना तो आँच को थोड़ा सा कम करके क्रिस्पी होने तक सेक ले। और जब भी पहला पूरी डालें ना तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, अच्छा तेल गर्म में फिर पूरियाँ डालें। और जैसे सारे पूरियाँ डाल दें 4 से 5, इसके बाद जब फूल जाए ना वो पूरियाँ, तो आँच को थोड़ा कम कर दें। फिर 2-3 मिनट तक इसे अलटते पलटते क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। फिर इसे आप ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में महीनों दिन तक भी रखेंगे ना, तो ये पूरियाँ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ती है, क्रिस्पी बनी रहती है। तो ये देखिए सारे पूरियाँ फूल फूल के तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से मैं सारे पूरियाँ फ्राई करके मतलब तल के तैयार कर लूँगी। और सबसे ये ना टिकी पार्ट होती है कि पूरियाँ को फुलाना और क्रिस्पी बनाना। तो इस वाले ट्रिक से आप पूरी बनाएंगे ना तो आपके भी पूरी फुली फुली बनके तैयार होंगे। इतना पूरियाँ बेलने और फ्राई करने में 15 से 20 मिनट लग गया था। पूरी को बेलने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्राई करने में तो आप फटाफट से फ्राई कर सकते हैं। और पानी पूरी ऐसा नहीं है कि आप बेलते जाएंगे फ्राई करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप सारे पूरियों को बेल करके अरेंज करके रख लें, फिर इसे फ्राई करें। तो 4 से 5 पूरियां हमारी पापड़ी भी बन गई थी। तो कई बार ऐसे होता है कि बेलने में वो चिपकने लग जाता है ना, तो वो पूरियां फूलती नहीं है। तो बेलने के टाइम में अगर आपके पूरियां चिपक रही हो तो आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें, फिर पूरियां को बेलें। वो पूरियां अच्छे तरीके से बेलें, बराबर बेलें, ना तो ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, और एक सार हो, तभी आपके पूरी फूली फूली बन करके तैयार होंगे। तो देखिए पूरी तो सारे हमने बना ली है। और अब चलिए ये देखिए इतना सा पूरी हमारा ख़राब निकल गया है। और ये देखिए ये 2 पूरी हमने बिना कटर के बनाए थे, और सारे पूरी का शेप एक जैसे देखने में ना अच्छा लगता है। तो चलिए 1-2 पानी पूरी मैं आपको ऐसे तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, और 1 पूड़ियाँ को सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबके मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। तब गोलगप्पे में डालेंगे वो मसाला, मीठी वाली चटनी और ये तीखी वाली पानी। तो हमारे घर के साइड में ही पानी पूरी का दुकान है और इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत टेस्टी पानी लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर।